इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। कि पाकिस्तान ये चाहता है कि उसके जो कर्जे हैं वो माफ कर दिए जाएं, और इस हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं वो कोशिश कर रहे हैं और उनकी हुकूमत प्रोग्राम भी तरतीब दे रही है इस हवाले से। कल पाकिस्तान के अंदर एक जो है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया, जिसमें बरतानिया, चाइना के जो और जो यूएन के जो ऑफिशियल्स थे, सदर और प्राइम मिनिस्टर लेवल के जो लोग थे, उनके पैगाम सुनाए गए। और यूनाइटेड नेशंस जो डेकेड एक मना रही है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की, उसके ऊपर काफ़ी बात हुई। और पाकिस्तान चाहता है कि इसके जो तकरीबन 11.5 बिलियन डॉलर के कर्जे पेरिस क्लब के जरिए से हमने जो कर्जे लिए हैं वो माफ कर दिए जाएं। और मैं आपको बताऊं, इस हवाले से ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि इससे पहले भी बहुत सारे कर्जे जो हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान के माफ किए हैं। अगर आपको याद हो कि 2005 में जब पाकिस्तान में जलजला आया था, तो तालीम और सेहत के हवाले से जो हमने हमारे मामलात खराब हुए थे उसमें, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा था, तो उसकी वजह से भी हमें बहुत ज्यादा कर्जे माफ किए गए थे। फिर 2010 में जब सैलाब आया पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर, तब भी कर्जे माफ किए गए थे। और इस हवाले से अफगान महाजरीन की पाकिस्तान में मौजूदगी की वजह से भी बहुत सारे कर्जे माफ किए गए, क्योंकि पाकिस्तान के मुआशरे को उससे काफी नुकसान पहुंचा। अगर देखा जाए कि पाकिस्तान ने कितने कर्जे माफ करवाए हैं, ये एक बड़ी नंबर है। हमने कनाडा से तकरीबन कोई 44 करोड़ जो है कैनेडियन डॉलर्स के कर्जे माफ कराए, जर्मनी ने तकरीबन 5 करोड़ यूरो के कर्जे माफ किए, इटली ने माफ किए काफी ज्यादा के तकरीबन 8.5 करोड़ के कर्जे माफ किए, इसी तरह नॉर्वे ने भी कोई 1.5 करोड़ डॉलर के कर्जे माफ किए, बेल्जियम भी काफी कर्जे माफ कर चुका है पाकिस्तान के। और ये पाकिस्तान ये समझता है कि अगर हमने ये कर्जे माफ करवाने में कामयाब हो गए तो शायद हमारी इकोनॉमी चल पड़ेगी। अब ये तरतीब क्या है, इसको बोलते हैं डेट फॉर नेचर स्वैप के नाम से। ये जो एक प्रोग्राम है जो हमारे सामने आ रहा है कि डेट फॉर नेचर स्वैप, कि वो ममालिक जो इस तरह का अरेंजमेंट करना चाहें तो उनको फैसिलिटी दी जा सकती है, डेवलप वर्ल्ड फैसिलिटी दे सकती है। पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि तकरीबन 4 से 5 ममालिक के दरमियान जो पाकिस्तान के साथ रबते में है, तो शायद उम्मीद करते हैं कि वो शायद हमें ये कर्जे माफ कर देंगे। लेकिन देखना यह है कि क्या जो पेरिस क्लब है, जो कि तकरीबन एक कंसोर्शियम है कोई 21-22 बड़े ममालिक का, जिसमें सारे डेवलप वर्ल्ड हैं ऑलमोस्ट, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क, बहुत सारे नाम हैं, पाकिस्तान चाहता है कि अगर ये कर्जे माफ कर दिए जाएं तो बड़ी बात होगी, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक और जो IMF वहां से जो पाकिस्तान पैसे लेता है वो कर्जे तो माफ नहीं हो सकते, क्योंकि वो पैसा इन बैंक का नहीं होता, वो पैसा जो होता है वो बेसिकली ममालिक का होता है और वो ममालिक ही उसको माफ कर सकते हैं। सो पाकिस्तान समझता है कि जो गरीब ममालिक हैं वो और जो जरूरतमंद ममालिक हैं उनके कर्जे माफ कर दिए जाए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी सफर कर रही थी। और इमरान खान साहब को यह है कि अगर ये कर्जे माफ हो जाएं तो उससे ये होगा कि जो हमें जो सूद देना पड़ता है वो हम उससे बच जाएंगे, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मामलात इस वक्त मुल्क में इकोनॉमी स्टैंड स्टिल है, गो को वो कह रहे हैं 4% है, लेकिन 4% पे है तो नहीं है, ये सारी कहा जा रहा है कि दिस इज ऑल डेटा वॉर जो इमरान खान साहब खेलना चाह रहे हैं। लेकिन इधर आज आप हैं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मुझे बताइएगा कि आपको नहीं लगता ये जो हुकूमत ने ये कदम लिया आवाम की बेहतरी के लिए, जान होगी तो जान। आवाम की बेहतरी के लिए तो यहाँ तो इसीलिए घर में कैद में है ना, घर से बाहर निकल नहीं रहे। अब ये पेट तो मांगता है, इसने तो शाम को खाना है, अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा। आप मुझे बताएं, 4 मेरी वाइफ है, 26 मेरे बच्चे हैं, 12 बेटी हैं, 14 बेटे, अब उनको बताओ किधर से ला के दूं। तो क्या सबको चंदा देना पड़ेगा, जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 1,00,000 रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे।
लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आप इमरान खान से इंस्पायर होकर अपने बैंक या जिस किसी से भी आपने कर्जा ले रखा है उसके पास जाकर ये इस तरीके की ड्रामेबाजी ना करेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों जिससे कर्जा लिया होगा डेफिनेटली उसने भी पैसा कहीं ना कहीं से उठाया होगा या उसने भी कहीं ना कहीं से कमाया होगा, मेहनत से कमाया होगा, जैसा कि बैंक। आप ये बोल सकते हैं कि भाई मैं ब्याज नहीं दे पाऊँगा या मैं ब्याज इतना ज़्यादा दिन नहीं दे पाऊँगा या ये और कोई मतलब बहाना बना सकते हो आप, बट ये नहीं सही रहेगा कि आप सीधा बोलोगे कि मैं तुम्हारे पैसे ही नहीं दूंगा, मैं बहुत गरीब हूँ, हमारी हालत ख़राब है। अरे उससे ये बोल दो कि मैं 2-3 साल बाद दे दूंगा या कल दे दूंगा या बाद में दे दूंगा, लेकिन ये तो कहीं से भी बोलना बनता नहीं है भाई कि मैं पैसे ही नहीं दे पाऊँगा। मतलब आप समझ सकते हो इमरान खान किस तरीके की ये चीज़ें कर रहा है। इमरान खान सीधा सीधा मतलब पाकिस्तान पे इतना कर्ज़ा है, पाकिस्तान ने जो एक हाथी वाला है पाकिस्तान की फ़ौज ने जो मतलब बैंड बजाई है पाकिस्तान की, इनके जो परवेज़ मुशर्रफ हैं उनकी इंडियन करेंसी में 1,000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। मतलब दुनिया के हर देश में उनके फ्लैट हैं, दुबई में वो रह रहे हैं, उनके ऊपर केस चल रहा है, उनको अदालत में आने के लिए बोला जाता है, वो कहते नहीं आऊँगा, नहीं आते, बीमारी का बहाना बनाते हैं। एक पाकिस्तान के जनरल कयानी थे, वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, ऐसा माना जाता है कि उनके पास खुद का एक आइलैंड है। और जो अभी जनरल आसिफ गफूर थे उनके खुद के यूरोपियन कंट्री में बहुत सारी प्रॉपर्टी है और उनके बच्चे यूरोप में पढ़ते हैं। तो आप समझ सकते हो दोस्तों ये सब पैसे लिए गए हैं आर्मी के द्वारा। अब भुगत रही है पाकिस्तान की आवाम और आर्मी का जो पोपट है इमरान खान उसको ये बोला जा रहा है, डायलॉग दिए जा रहे हैं कि भाई ऐसा बोलो शायद कर्जे माफ़ हो जाएं। ये क्या करेंगे, कर्जे माफ़ होंगे ये फिर कहीं ना कहीं से हाथ पैर जोड़कर नए कर्जे ले लेंगे, इनके पास यही एक अच्छा तरीका है और कोई तरीका नहीं है। गाइस आपको बता दें कि चाइना के साथ ये दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन चाइना की एक नीति है कि वो लोन देता है, कर्जा नहीं देता, कर्जा बहुत कम देता है, मतलब बहुत कम। जैसे इनको आपको मैं एक कंडीशन बताने वाला हूँ कि भारत का जो जम्मू कश्मीर का इलाका है ना उसमें पाकिस्तान से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। आप समझ सकते हो भारत अब दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है जहाँ पर एक डोज पाने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं, 23 करोड़ प्लस, अमेरिका में 17 करोड़ प्लस हैं, और अमेरिका में भी 17 करोड़ के सेकंड डोज नहीं लगे हैं, ये भी मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ। तो आप समझ सकते हो गाइज, लेकिन भारत की आबादी भी बड़ी है आपको भी पता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर है नहीं, आपको ये चीज़ें भी पता है। तो गाइज इमरान खान की ये जो रिक्वेस्ट है कि हमारा कर्जा माफ़ किया जाए, फिर हम कर्जा मांगेंगे और फिर आतंकवाद फैलाएंगे, इस पर आपके क्या कमेंट हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। और गाइज नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग काफ़ी आ रहे हैं मेरे वीडियोस पर, बोल रहे हैं तेरी आवाज़ पसंद नहीं है, तो भाई प्लीज़ मेरे आवाज़ वाला पोर्शन स्किप कर दिया करो।